गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल सर। पिछली क्लास में हमने रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को डिस्कस किया था और उससे पहले की क्लास में रॉयल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स का डिस्कशन हुआ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अपने स्कूल ऐप पर या यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। हमने जो पिछली क्लास में आपको रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ाया था, जिसकी हमने ब्रीफ डिस्कशन की थी, मैथमेटिकल फॉर्म्स हमने रिजल्ट निकाले थे, उसमें आपको बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं इन सर्कल कर रहा हूँ, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। बी हमारा सॉल्यूट था। तो अब देखिए, हम लोग इसमें न्यूमेरिकल जो बनाते थे उसमें आपको याद होगा पी ए नॉट, ये प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होता था, पी एस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होता है, पी ए नॉट अगेन सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर होता है, सॉरी सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर होता है, एक्स वी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए हमारे पास, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ा अपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सके और आप खुद से भी उस न्यूमेरिकल को बना सके। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ऊपर में, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का प्रॉब्लम है, जो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है 1.004 बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। आपको याद होगा कि यहाँ ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि ये हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। आप जानते हैं कि वाटर जो है एग्जैक्ट कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, व्हाट इज़ द एक्वस प्रेशर, तो जो वाटर का प्रेशर होता है दैट इज़ 1 atm, और 1 atm की वैल्यू बार में होती है 1.013 बार, ये इसका प्योर प्रेशर हो गया, ये सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रेशर दे रखा है, जब सॉल्यूट मिक्स कर दिया गया है और जो प्रेशर दे रखा है वो है 1.004 बार। चलिए हमारे पास पी ए नॉट आ गया, पी एस आ गया, ठीक है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में देखिए, मोल फ्रैक्शन को जब हमने अगले स्टेप में रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मैथमेटिकल फॉर्म लगाया, मोल फ्रैक्शन को एक्सपैंड किया। अब यहाँ एक्सपेंशन में हमने, आप देख रहे होंगे नीचे से, हमने बी के मूल को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट किया? क्योंकि जो बी का मूल था वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू ए के मूल से। ऐसा क्यों? क्योंकि ए हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का मोल बहुत ज़्यादा है, और आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन सिर्फ 2% का है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सॉल्यूट का मास होगा वो 2 ग्राम होगा, सॉल्वेंट का मास जो होगा वो 100 ग्राम होगा। मैं स्क्रीन पे टिक भी करता चला जा रहा हूँ, तो आप यहाँ तो ये समझ गए, यानी ये बहुत कम अमाउंट यानी बहुत कम मोल होंगे सॉल्यूट के। तो हमने डिनोमिनेटर से सॉल्यूट के मोल को नेग्लेक्ट कर दिया। अब मोल्स को मॉलिकुलर वेट में एक्सपैंड कर दिया हमने। अब देखिए हमारे पास पी ए नॉट की जगह हमारा प्योर प्रेशर दैट इज़ 1.013 जो कि हमें नून है, ये आपको बताया नहीं जाएगा प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में बस कह दिया एक सॉल्यूशन तो भी आपको नून होना चाहिए, तो हमने प्लेस कर दिया 1.013। अब देखिए सॉल्यूशन का जो प्रेशर है इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम 1.004, आप देख पा रहे स्क्रीन पर, और पी ए नॉट अगेन हमने प्लेस कर दिया द प्योर प्रेशर, आप देख पा रहे स्क्रीन पर। अब आते हैं इधर, हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म को थोड़ा एडजस्ट किया था मैथमेटिकल फॉर्म में। देखिए डब्ल्यू बी ये हमारा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि 2 ग्राम हो गया, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये हमें निकालना है तो हमने एम बी छोड़ दिया इसे, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा एक्व सॉल्यूशन है तो H2O, अब वाटर का मॉलिकुलर मास निकाल लो इट विल बी 18 ग्राम, तो हमने एम ए की जगह 18 पुट कर दिया, यानी 18 पुट कर दिया। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपका सॉल्यूशन 2% का था, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 हुआ, उसमें से सॉल्यूट का वेट 2 ग्राम हुआ, सॉल्वेंट का वेट 98 हो गया, तो गिवन वेट ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट का वेट, तो ये 98, और यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आपका लमसम 41.35 ग्राम पर मोल आया। तो हम आप इससे ये समझ पाएँ कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के प्रॉब्लम होंगे तो उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, और आप खुद से भी अगर प्रॉब्लम बनाना चाहें तो अब आप आसानी से प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी के या फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक अभी अवेलेबल हो, आप उससे इसके प्रॉब्लम्स को ज़रूर बनाएं।
उम्मीद करेंगे कि आप क्लासेस को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे होंगे ताकि आप अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। थैंक यू।